तो फुल एजुकेशन सपोर्ट आपका स्वागत करता है। तो जो भी टीवाई बीकॉम सेम सिक्स स्टूडेंट हैं, जो भी सेम सिक्स देने वाले हैं टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो आज क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने वाली हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। तो सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। एंड आपको ये डेट्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आपको आंसर लिखना है। आपको कॉलम बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये तीनों कॉलम आपके बन जाएंगे एज इट इज, ये तीनों कॉलम होंगे। देन एक और कॉलम होगा टाइम ऑफ सप्लाई, देन रिमार्क। तो आपको 15, आपको जो डेट दी गई है वही डेट आपको यहाँ पे लिखना है एज इट इज। ये सभी डेट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई अब आपको देखना है, चेक करना है कि कौन सी डेट पहले आ रही है। तो 15 नवंबर 2018, 6 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2018। तो 6 नवंबर इज फर्स्ट, पहले डेट आ रही है। तो ये यहाँ पे ए बी सी इन तीनों में से तो टाइम ऑफ सप्लाई में कौन सा डेट आ गया, 6 नवंबर 2018। और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई 6 नवंबर 2018 एज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज अर्लियर, बस इतना आपको लिखना है। देन अगेन यहाँ पे ये डेट है कि 4 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर 2018, 6 अक्टूबर 2018, तो 4 अक्टूबर पहले आती है, देन उसके बारे में भी आपको लिखना है एज इट इज। ये अकाउंट वाला यहाँ पे आप लिखोगे। देन 16 दिसंबर 2018, 20 दिसंबर 2018, 28 दिसंबर 2018, तो इनमें से कौन सी डेट पहले आ रही है। तो यहाँ पे आपको 16 पहले आ रहा है, 16 दिसंबर, तो यहाँ पे लिखोगे। देन यहाँ पे लिखोगे कि एज द डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर। देन अगेन 26 अक्टूबर 2018, 25 जैन 2019, 25 जैन 2019, तो 26 अक्टूबर ये पहले आ रहा है, तो एज द डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर। देन अगेन 15 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2018, 12 जैन 2019, तो यहाँ पे आपको 11 दिसंबर फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये लिखोगे। देन एज द डेट ऑफ स्टेटमेंट इज अर्लियर, बिकॉज की ये डेट यहाँ पे आ रही है। ओके, तो डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन 15 दिसंबर, 11 दिसंबर, तो यहाँ पे आपने लिख लिया। देन 22 अक्टूबर, 25 नवंबर, 12 नवंबर, तो 12 यहाँ पे अक्टूबर, 22 अक्टूबर फर्स्ट पहली डेट आ रही है, तो लिखोगे एंड एज द डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर, बिकॉज की ये जो डेट में इनवॉइस हो रहा है। देन 16 दिसंबर 2018, 6 दिसंबर 2018, 10 दिसंबर 2018, तो कौन सी डेट पहले आ रही है, तो डेट ऑफ इनवॉइस वाला पहले आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे कि 6 दिसंबर 2018 एज द डेट ऑफ स्टेटमेंट इज अर्लियर। बस इस तरीके से आपको करना है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो ये था आपका क्वेश्चन और इसका आंसर कि किस तरीके से लिखना है, एंड उसके नोट्स जो कि मैंने पहले वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से ले सकते हो और इस तरीके से आपको लिखना होता है आंसर। एनी डाउट रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी स्टूडेंट है ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही बनाया जा रहा है जो कि क्लास कॉलेजेस के लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाते बिकॉज सम रीजंस रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उनके कुछ लेक्चर्स मिस हों और वो एग्जाम में इस सिचुएशन को फेस करें, तो उनके लिए इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप भी मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच।